चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। आगरा को इटावा होकर कानपुर से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा से पूर्व में लगभग 60 किलोमीटर सफर तय करने के पश्चात फिरोजाबाद जनपद में जिला मुख्यालय फिरोजाबाद से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक सुंदर एवं विकसित शहर के प्रारंभ होने की अनुभूति होती है, जिसे शिकोहाबाद के रूप में पहचाना जाता है। शिकोहाबाद से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर की ओर बाईपास होकर प्रतापपुर चुंगी, एटा चौराहा, मैनपुरी चौराहा, आवास विकास कॉलोनी इत्यादि होकर इटावा कानपुर की ओर प्रस्थान कर जाता है। एक मुख्य सड़क शिकोहाबाद शहर में प्रवेश करती है। 1,45,000 की विशालकाय जनसंख्या वाला यह शहर आगरा मंडल में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा एवं मैनपुरी के बाद पांचवां सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। शिकोहाबाद शहर की ओर प्रवेश करते ही सर्वप्रथम नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय से साक्षात्कार होता है। शिकोहाबाद को प्राचीन काल में किशनपुर मोहम्मदाबाद के रूप में पहचाना जाता था। शाहजहांपुर के बड़े पुत्र एवं औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने यहाँ शरण ली और इस शहर को नए सिरे से बसाया। उन्हीं के नाम पर इसका नाम शिकोहाबाद पड़ा। रोडवेज बस स्टैंड इत्यादि से होते हुए मुख्य सड़क तहसील चौराहा पर पहुंचती है। इस मुख्य चौराहे पर तहसील शिकोहाबाद का आधुनिक कार्यालय एवं कोतवाली शिकोहाबाद का परिसर स्थित है। यहाँ पूर्व की ओर जाने वाली मुख्य सड़क कटरा बाजार एवं दक्षिण में जाने वाली सड़क स्टेशन रोड के रूप में पहचानी जाती है। शिकोहाबाद 1803 से 1856 तक इटावा जनपद की तहसील के रूप में जाना गया, जिस जिले का मुख्यालय मैनपुरी से संचालित होता था। 1856 में इटावा और मैनपुरी जिलों का विभाजन होने पर इसे मैनपुरी जनपद में सम्मिलित कर दिया गया, किंतु 1989 में फिरोजाबाद के जिला घोषित होने पर शिकोहाबाद तहसील को फिरोजाबाद जनपद में सम्मिलित कर दिया गया। स्टेशन रोड शहर के आधुनिक क्षेत्रों में गिना जाता है। यह 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क तहसील चौराहा को शिकोहाबाद जंक्शन से जोड़ती है। मेला बाग, शंभूनगर, लेबर कॉलोनी समेत अनेकों आवासीय कॉलोनियां इस मार्ग पर विकसित हो चुकी हैं। यह सड़क अपने दक्षिणी छोर पर नहर को पार करके शिकोहाबाद जंक्शन से जोड़ती है। शिकोहाबाद जंक्शन दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक पर स्थित है। यहाँ से मैनपुरी होकर फर्रुखाबाद की ओर एक रेलमार्ग प्रारंभ होता है। यहाँ 3 दर्जन से अधिक पैसेंजर एवं एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित किया गया है। स्टेशन से एक सड़क आगरा जनपद के बटेश्वर एवं बाह की ओर प्रस्थान कर जाती है। तहसील चौराहा से पूर्व की ओर कटरा बाजार शिकोहाबाद का मुख्य व्यापारिक केंद्र बिंदु है। बाईपास के निर्माण से पूर्व इसी मार्ग से पुराने समय में राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता था। शिकोहाबाद शहर फिरोजाबाद जनपद में मुख्य व्यापारिक केंद्र बिंदु है। यहाँ शहर के लोग एवं आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। शिकोहाबाद तहसील से ही 1997 में जसराना एवं कुछ वर्षों पूर्व ही सरसागंज तहसील का सृजन किया गया है। कटरा बाजार पूर्व की ओर बढ़ते हुए अनेकों प्रतिष्ठानों एवं सब्जी मंडी के निकट से गुजरते हुए एटा तिराहा पर पहुंचता है, जहां से उत्तर में एटा रोड प्रारंभ होता है। एटा तिराहा से पूर्व की ओर बढ़ते हुए कुछ ही दूरी पर मैनपुरी तिराहा स्थित है, जहां से उत्तर पूर्व में मैनपुरी रोड प्रारंभ होता है एवं पूर्व की सड़क रुकनपुर से गुजरते हुए इटावा रोड की ओर निकल जाती है। मैनपुरी रोड पर भी शिकोहाबाद की आबादी का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है। इस मार्ग पर आदर्श सिनेमा भी स्थित है। पूर्व समय में शिकोहाबाद शहर में 3 सिनेमाघर संचालित होते थे, जो दर्शकों की कमी के चलते जमींदोज हो चुके हैं। मैनपुरी रोड बाईपास स्थित मैनपुरी चौराहा को क्रॉस करके उत्तर पूर्व की ओर घिरोर मैनपुरी की ओर प्रस्थान कर जाता है। इस मार्ग को अब 4 लेन राजमार्ग के रूप में विकसित कर दिया गया है। एटा तिराहा से उत्तर में प्रारंभ होने वाला एटा रोड भी बेहद महत्वपूर्ण मार्गों में एक है। इस मार्ग पर अनेकों व्यापारिक प्रतिष्ठानों समेत अनेकों राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं स्थापित हैं। यह सड़क बाईपास स्थित एटा चौराहा पर पहुंचती है, जहां से उत्तर की ओर एक मार्ग मुस्तफाबाद एवं एका की ओर
एवं उत्तर में ही एक मार्ग जसराना होकर एटा की ओर प्रस्थान कर जाता है। शिकोहाबाद में तहसील के निकट स्टेशन रोड से पूर्व में एक और मुख्य सड़क नगर पालिका रोड के रूप में जानी जाती है, जो नगर पालिका कार्यालय से गुजरते हुए स्टेट बैंक चौराहा होकर बड़ा बाजार में प्रवेश करती है। बड़ा बाजार शिकोहाबाद में सबसे पुराने बाजारों में एक है। इसी बाजार में पुरानी मंडियां स्थापित हैं। पुराना शिकोहाबाद भी इसी बाजार के इर्द गिर्द बसा हुआ है। स्टेट बैंक चौराहा से दक्षिण में पथवारी रोड स्टेशन रोड से जोड़ता है। शिकोहाबाद शहर में आना, इसे कैमरे में कैद करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। शिकोहाबाद पर बनाया डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो शिकोहाबाद शहर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं आपका मित्र ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।